पीएम मोदी एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां पर एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी की को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने यहां टॉम्ब ऑफ अनोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ग्रीस दौरे पर राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलो ने पीएम मोदी को यहां पर सेरेमोनियल वेलकम दिया और उन्हें ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो। दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है, फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है।